वेलकम बैक गाइस। आज ना हम बात करेंगे डोंट कम होम दरवाजा खोलो, पीपल। दरवाजा खोलो। कहाँ छुपी हो तुम? ये जंगल के बीच में बना वही नए स्टाइल वाला मकान है ना, वहां के लोग कहते हैं वो घर भूतिया है। या ये नेटफ्लिक्स की सीरीज अब बहुत बहुत कहते हैं ना, स्वाद आया, मजा आया, चस आई चस। यार ये वही सीरीज है यार, इसको आपको देखने ही ना टोटल सिर्फ 6 एपिसोड देखने पड़ेंगे यार। इतने मज़े की और इतनी बढ़िया ये सीरीज है, और हर एपिसोड के अंदर आपको 50 मिनट तक की आपको देखने को मिलेगी। बस का पहला एपिसोड 1 घंटे का है यार। या सीरीज अपनी फैमिली साथ देख सकते हैं यार, इतने मज़े की मैं आपको बता नहीं सकता यार। पहले जो 2 एपिसोड है ना वो बहुत ही हॉरर है। क्या हॉरर यार, जो बाकी इसके 4 एपिसोड है वो एक टाइम ट्रैवलिंग पेपर। यार मैं तो शुरू में इतना डर गया था, ये जो स्टार्टिंग का सीन था मैं तो खुद देख के डर गया। मैं कहा यार ये क्या देख लिया मैंने, मैं कहा यार कमाल तगड़ा है, हो रहा है, मैं भी डरा। वो आगे जाके जैसे स्टोरी बनी सब मज़ा आया यार। अब मैंने इसकी आपको स्टोरी बताता हूँ, हाँ जी, इसके अंदर आपको क्या देखने में मिलेगा यार। इसके अंदर ना एक ना लड़की की ना स्टोरी दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी के साथ ना सभी कमरे ठीक से देखे थे ना? हाँ सैकड़ों बार देखे। तीन कलो तो फिर ये वाला कमरा उसे कहाँ ढूंढे? तो पुलिस वाले क्या आप लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे? मुझे डर लगता है। इस घर का चक्कर क्या है? अपनी माँ के घर में क्या आती है, आती है ठीक है। अब जो वो क्यों आती है बताऊँ, वो उसका हस्बैंड होता है ना, जो उसका हस्बैंड होता है वो ना उसकी उसकी आपस में ना लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से ना वो अपनी बेटी के साथ आ जाती है। वो अपना फ़ोन भी फेंक देती है सब कुछ। वो जिस घर में आते हैं ना वो उसकी माँ होती है। मैं आपको बताता हूँ यार टाइम ट्रैवलिंग वाली, इसलिए मैं आपको ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा था सीरीज के बारे में, आपको पता चले हाँ जिसका माल तगड़ा कि नहीं तगड़ा, और ये क्या इसकी घिच पिच है। मैं भी आपको इसको समझा दूँगा, शायद आपको ना समझ आए। आगे हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। फिर उसकी बेटी ना दिखाया जाता है, एक बेड उड़ता है एकदम ना, कुछ होता है कमरे में, उसको बच्ची को ना उस घर में ना मोन्स्टर से भूत नज़र आ रहे थे बच्ची को, और एक ही दम ना वो बच्ची गायब हो जाती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ढूंढती है, कोई पता नहीं लगता उसकी बच्ची का, सारे हार मान लेते। फिर आगे पता चलता है ये टाइम ट्रैवल, उसकी जो बेटी होती है 1992 में चली जाती है, और जो उसकी बेटी होती है ना पुलिस चले कहते नहीं वो है ही नहीं। जो रोबोट चेक करते सच्ची में उसकी बेटी होती है, और वो उसकी माँ के बचपन से मिल रही थी। अब इसकी स्टोरी बताऊँ क्या है, जब वो बच्ची पीछे जाती है ना, वो जो औरत होती है उसी की माँ होती है, वो खुद ही होती है। यार मेरे कहने मतलब है यार, जैसे मतलब ना ये दिखाया जो उसकी माँ थी ना, और जो उसकी बेटी थी, जो बेटी वक्त में पीछे गई है ना, और वो गई है 1992 में, और जो साल चला 2024, जैसे वो वक्त में पीछे जाती है ना वही बच्ची उसकी ना यादा चली जाती है वहाँ पे। वो 5 साल की होती है, जैसे वो बड़ी होती है जो उसकी माँ थी वो वही निकलती है। यार बस यही मिस्ट्री नहीं समझ आई मुझे, या वो थी वो वक्त में पीछे चली, वो बड़ी होके वही बनती है, इसको पैदा किसने किया यार, यही सारी मिस्ट्री ना यार, ये एक खच मार दी उन्होंने यार। वैसे तो बहुत ही बढ़िया ऐसी सीरीज है, आप देखो आपको लुक सकते। ये लिमिटेड सीरीज है, इसका अगला सीजन है, और इसकी स्टोरी उधर ही क्लोज कर दी गई है ठीक है, क्योंकि वो उसकी माँ भी किसी तरह ट्रैवलिंग करके पीछे चली जाती है, वहाँ पे वो मारी जाती है। आपको सारा स्टोरी पता चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ऐसी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँ।